सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय आप सबके प्यारे आपकी आंखों के तारे चैनल महालक्ष्मी को सुबह सुबह रविवार छुट्टी के दिन 8 बजे सादर जय जिनेंद्र साथ। आप कहते हैं दिवाली की बात, शीर्षक पढ़ चुके हैं हम और आप, गजब की बात है। सरकारी छुट्टी 24 को पर मने दिवाली 25 को। जी हाँ, हम जैन बंधुओं की बात कर रहे हैं, घबराइए मत। और बंधु, आपकी जब मनानी है सरकारी छुट्टी आपके हिसाब से बना दी गई है। अब हम जैन दिवाली की बात करें, कारण क्या है। वैसे दिवाली अमावस को होती है, हमेशा आयोजित होती है, पर वहाँ सिंह लगन से देखते हैं हिंदू कैलेंडर में और हमारे यहाँ सूर्योदय के अनुसार होता है। अमावस की शुरुआत 24 तारीख को यानी सोमवार को 17:30 यानी 5:27 से हो रही है अमावस, शाम 5:27 से, और ये चलेगी मंगलवार को 4:18 तक यानी 4:15 तक। 5:27 सोमवार को शुरू हुई और मंगलवार 4:28 तक। और जिस दिन अमावस होती है सूर्योदय में, हमारा दिन वही माना जाता है, वही शुभ लग्न, वही सब कुछ उत्तम दिन है। उस समय में पूजा पाठ, सुबह सुबह आपको मंदिर जाना है, निर्माण अर्चन, और ध्यान रहे जब लाडू चढ़ जाता है उसके बाद केवल ज्ञान होता है गौतम गणधर स्वामी को। इसलिए कभी मत अदला बदली करना कि हम दिवाली के अंदर घर की पूजा सोमवार को कर लें छुट्टी वाले दिन और मंगलवार को लौट, ऐसा कभी नहीं होता। पहले महावीर स्वामी का निर्वाण कलश सुबह सुबह होता है और फिर उसी शाम आपके यहाँ घरों में गौतम गणधर स्वामी के केवल ज्ञान की सरस्वती जी की पूजा होती है। आज बहुत कुछ बताएंगे आपको इसके बारे में, पर आप ये पहले इसके लग्न साथ आज बता रहे हैं कि यह पूजा जो करते हैं सुबह पूजा करें और शाम की पूजा एक दिन पहले कर लें, या कैसे करें। एक बार सुनते हैं हम सीधा मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी से, वह साफ साफ बताते हैं कब पूजा करनी चाहिए, कभी मंगल होता है कभी अमंगल मत करना। पहले उनसे सुन लेना कि दिवाली जो आगे पीछे होती है, कभी कभी घर की दिवाली पहले मंदिर की दिवाली बाद में, ये जैन दर्शन के अनुसार ठीक नहीं। हमारा तो नक्षत्रों से सुबह भगवान को केवल ज्ञान, शाम को गौतम गणधर की दिवाली होना चाहिए। हमें कोई सिंह लग्न आदि नहीं देखना, हमारा तो एक ही है गोधूली में दिवाली होना चाहिए। रात्रि होने के पहले, अंधेरा ना हो पाए उसके पहले पहले दिवाली घर की पूजन होना चाहिए। दूसरा, बिल्कुल मार्शल ला, किसी भी हालत में किसी अपेक्षा से दिवाली अंधेरे में रात में नहीं होना चाहिए घर की दिवाली। पहली बार सुना होगा आपने ये बात, जो हमारे मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के घर में भी दिवाली सूर्यास्त तक मना लेनी चाहिए, रात्रि में नहीं मनाते। गजब की बात बताई है, पहली बार आगम की सही राह दिखाई है। जैसे हम लोगों को अभी तक हम रात में मनाते थे, अब समझ भी पाते हैं कि घर में करो, किस तरह पूजा पाठ करो, खास बात बताएंगे। पर पहले शुभ दीपावली अशुभ के रूप में क्यों कहते हैं कि हम चाहते हैं लक्ष्मी घर में आए, पर हमारे तो घर में लक्ष्मी चंद आ जाता है। समझ गए आप क्या बात कर रहे थे, क्यों हमारे लिए मंगल दिवाली क्यों नहीं होती, अमंगल क्यों बन जाती है। पहली बार बता रहे हैं वे, पटाखे क्यों बजाते हैं, पटाखे मत बजाना, यही उसके अमांगलिक क्रिया है। अरे बजाना है तो नगाड़े बजाओ, बजाना है तो ढोल बजाओ, बजाना है तो गीत गाओ, भजन गाओ, पर कभी विस्फोटक और बारूद किसी भी मांगलिक कार्य के लिए सबसे ज्यादा अशुभ होते हैं। हमारी बात पे विश्वास क्यों करें, आप जरा मुनिशी से सुन लेते हैं। दिवाली पर फटाके नहीं होना चाहिए, महान अशुभ अमंगल ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार किसी मांगलिक दिन बारूद का दर्शन करना भी अमंगलिक है, बारूद दिख जाना अमंगलिक है, बारूद की गंध अमंगलिक है, बारूद सामने आ जाना अमंगलिक है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बता रहा हूँ, कोई भी विस्फोटक सामग्री अमंगलिक होती है, चाहे वो फुलझड़ी क्यों ना हो उसमें बारूद है, फटाके तो ये अमंगलिक हैं। साल भर तुम्हारा मंगल नहीं हो रहा है, अमंगल हो रहा है। कई लोग महाराज फुलझड़ी तो जला दूँ, जलाइए फुलझड़ी, लेकिन अमंगल है। आप बच्चे के लिए अमंगल कर रहे हैं, अशुभ कर रहे हैं। एक फटाके कदापि नहीं फूटना चाहिए, बाजे बजवाओ, नगाड़े बजाओ, घंटे बजाओ, झालर बजाओ, ढोल तमाड़े बजाओ, कोई बाधा नहीं है, लेकिन फटाका नहीं। फटाका अशुभ है, अमंगल है, तो फटाके का प्रयोग नहीं करना। बात तो बड़ी पते की बता रहे हैं, बहुत अच्छी तरह समझा रहे हैं, पटाखे नहीं बजाने हैं हमें, ढोल नगाड़े बजाने हैं, खुशियां मनानी है। वास्तव में मांगलिक क्रियाएं करेंगे तभी तो शुभ और शुभ मिलेगा। पर हाँ,
घर में भी करें तो कैसे पूजा करें? अब तक क्या आते हैं, सुबह तो बड़ी विधि क्रिया से करते हैं, बड़े ध्यान से करते हैं, द्रव्य से करते हैं, शुद्ध से करते हैं, पर घर में आके सब कुछ खाते पीते हैं और वहीं पूजा के कमरे में बैठ जाते हैं पूजा करने के लिए। पर कैसे करें घर में पूजा, बहुत खास बात है, बता रहे हैं मुनि श्री पुंगव सागर सुधा सागर जी महाराज। घर में सब लोग, पूरे लोग, जैसे मंदिर में अपन पूजन करते हैं, सब लोग नहा धोकर के शुद्ध वस्त्र पहने, धोती दुपट्टा पहने, भगवान महावीर स्वामी और गौतम गणधर्व की तस्वीर सामने हो, बस दो ही तस्वीरें होना चाहिए, गौतम गणधर्व और महावीर स्वामी, तस्वीरें मिल जाती हैं सिंबॉलिक रूप से, तस्वीर रख लो प्रतीक के रूप में, उसकी पूजा नहीं करवा रहा हूँ। एक जिनवाणी शास्त्र रख लीजिए और जिनवाणी रख करके और अष्ट द्रव से पूजा करो। सब लोग वैसे ही थाली लगाएं, 10 जोड़े हैं तो 10 थाली लगाओ, 10 जोड़े बैठो, जैसे विधान में बैठते हैं बढ़िया चौकी वौकी लगा के बैठो और बढ़िया ठाट से भगवान की पूजा करो अष्ट द्रव से। महावीर अष्टक पढ़ो, जो भी तुम्हें जितना पढ़ना है, और उसके बाद विसर्जन करके दीपकों के पास में अपना एक 16 दीपक रखो। 16 दीपकों के ऊपर यदि हो सके तो पेंट से पेंटिंग करके 16 भावनाओं के नाम लिख दो उस दीपक के ऊपर। 64 बातियाँ रखो जो 64 रिद्धियों का प्रतीक है। गणधर परमेष्ठी और महावीर स्वामी को 64 रिद्धियाँ प्राप्त हुई थी, तो 64 की 64 बाती 64 रिद्धियों से संपन्न थे। 16 कारण के दीपक, 64 रिद्धियों की वो ज्योति, ऐसा उनको जला करके और उनके सामने पूजा पाठ कीजिए। बड़ी काम की बात है, एक बार नहीं 2-2 बार सुन लेना, पर वही करना जो मुनि श्री बता रहे हैं। अब गलत रीति मत बनाना, अरे कहते हैं सुबह का भूला शाम को लौट आए तो बुरा नहीं करता, पर हाँ हम सोचते ही हैं, सारे व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, हम जाते हैं घर पे कम दुकानों में व्यापार में, सुबह से शाम तक वही पूजा करते हैं, तो घर की बजाय दुकान में पूजा करना ठीक है ना? दिमाग तो यहाँ भी दौड़ता है, व्यापारी अपने कारोबार संस्थान में करते हैं तो क्या ठीक है, अरे हम बही खाते खोलते हैं उनकी पूजा करते हैं, तिजोरी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी, क्योंकि हमें मोक्ष लक्ष्मी से मतलब नहीं है, हमें तो सांसारिक लक्ष्मी चाहिए, चंचला लक्ष्मी चाहिए, क्योंकि हम बस यहीं से संसार में घूमने वाले उस कुएं में रहना चाहते हैं। मोक्ष की बात तो करते हैं पर मोक्ष को साथ ग्रहण नहीं, पर क्या पूजा कहाँ करनी चाहिए, दुकान में करें या घर में करें, कैसे करें कहाँ करें, और बहुत कुछ बता रहे हैं मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज। गजब की बात है, काम की बात है, ध्यान से सुन लीजिए भाई साहब। घर में की दुकान पे घर में ही करना, दुकान की मनाही नहीं है, लेकिन एक स्थान पे पूजा कर लो बस, सब स्थान पे करने की जरूरत नहीं। अच्छा है घर में कोई जो स्थान ईशान कोण में हो, पूजा का स्थान हो, अथवा जहाँ तुम्हें सुविधा पड़े वहाँ पर बैठ करके सब लोग पूजन करो। अधिकतम उन दीपकों को ले जाकर के मांगलिक के रूप में आप अपनी फैक्ट्री दुकान आदि में पूजन के बाद उन दीपकों को मांगलिक के रूप में अपने प्रतिष्ठानों में रख सकते हो। दिवाली के जो पूजन आपने की है उसके थोड़े से पुष्प बचा लिए शेषाक्षत, उन शेषाक्षतों को ले जाकर के आप अपने प्रतिष्ठानों पर डाल दीजिए। शेषाक्षत पूज्यवर जिनसेन स्वामी महापुराण के अंदर जब चक्ररत्न की उन्होंने स्वीकार किया तो पुष्पों का क्षेपण करके उसका मांगलिक किया, तो पुष्प ले जाइए बस, इससे ज़्यादा नहीं। रिश्तेदारों के मांगलिक करना है तो आप अपना एक दीपक उठा करके उनके दरवाजे रखाइए, उनको दे रखिए, जिससे मेरे रिश्तेदार का भी मांगलिक हो संभव हो। तो ये संक्षेप से दिवाली की है। बही खाता वगैरह पूजन, तिजोरी पूजन नहीं, इसके एक ही हैं 2 कारण बस, एक मांगलिक करना है तो मैंने कहा तिजोरी के ऊपर भी पुष्प डाल दीजिए, बही खाते हुए पुष्प रख दीजिए, और अधिकतम आपको करना है तो जो केसर आपके पास थी उस केसर से बही खाते पर श्री स्वस्तिक आदि कोई शुभ संकेत लिख दीजिए। ये शुभ संकेत है मात्र, एक मांगलिक करने का तरीका है बस। श्री लक्ष्मी जी सदा सहाय करें ये सब नहीं लिखना, हाँ आप श्री लिख दीजिए, श्री सबसे बड़ा मांगलिक ग्रस्तों के लिए शुभ चीज़ है, दोनों श्री देने वाला है। ऐसी एक घर की पूजन करना है। यदि पूरे घर वाले नहीं बैठ सकें किसी कारणवश तो घर का जो मुखिया हो वो कम से कम धोती दुपट्टा पहन के बैठे। मुखिया यदि अस्वस्थ हो तो वो अपने प्रतिनिधि के रूप में घर के किसी दशरथ को नहा के धुला करके
पूजा में बैठा ले, सब पूजा पढ़े और वो वहाँ अर्घ चढ़ावे। उस स्थान पर खाना पीना नहीं करना। कोई नारियल वगैरह फोड़कर खाना पीना है तो पूजा के बाद बाहर जाके खाइए, उस स्थान पर नहीं। उन दीपकों में जब तक घी है सुरक्षित करके जीव ना गिरें। बीच का एक मध्य दीपक हो सके तो जला के रख रहो, वो जलता रहे, रात भर जलता रहे। निर्माण स्थल के ऊपर उल्लेख आता है, जहाँ भगवान का मोक्ष होता है वहाँ एक दीप का प्रज्वलन करते हैं देवता आकर के, और उस स्थान को तो एक जो दर्शन विशुद्धि वाला या कोई बड़ा दीपक है उसको किसी जाली आदि से ढांक दीजिए, रात भर जग से हो जलता रहे। लेकिन दीपक रात भर जले तो उसके साथ में परिवार के सभी लोग अथवा कोई एक व्यक्ति रात भर वहाँ बैठा जागरण करे, माला फेरे, जागरण करे और माला फेरे, ध्यान करे, जो भी करना, अखंड पाठ करो भक्तांबर का, नमोकार मंत्र का, रात्रि का मांगलिक करना है, सब बढ़िया भक्तांबर में सुपयोग करो, लेकिन रात में पूजा नहीं करना। सुना आपने, पहली बार पता चला कुछ खास बातों का। पहली तो बात यही, सरकारी छुट्टी 24 को, दिवाली मनाए 25 को। 25 को सुबह मंदिर में निर्वाण महोत्सव है, निर्वाण लाडू चढ़ाना है। अरे घरों के साथ आसपास सबको लाडू बांटना है। खुशी बतानी है कि आज हमारे महावीर स्वामी का 2549वां निर्वाण महोत्सव है जो पूरा देश मना रहा है। घर में पूजा करनी है, सूर्यास्त के समय से पहले करनी है, रात को पूजा नहीं करनी है। शुभ लग्न मंगलवार का है, सुबह लड्डू घर मंदिर चढ़ाना है, शाम को घर पे चढ़ाना है, इतना समझ में आना है। शुद्ध वस्त्रों से पहनकर अष्ट द्रव्य से पूजा करनी है, महावीर स्वामी की और गौतम गणधर की तस्वीर के सामने जिनवाणी रख के पूजा करनी है। मिठाई वहाँ नहीं खानी है, उसे रसोई नहीं बनाना है, उसे भोजनालय नहीं बनाना है, पूजा घर को पूजा घर बनाना है। पटाखे नहीं जलाने हैं, फूलझड़ी नहीं चलानी है, अरे अनार नहीं जलाने हैं, यह सब अमंगल नहीं करने हैं। यही करने से जो हम शुभ 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 दीपावली करते हैं वह हमारे लिए अशुभ अशुभ अमंगल क्यों बन जाती है, समझ में आ जाता है। अरे मजाने तो ढोल बजाओ, नगाड़े बजाओ, अरे ताली बजाओ, थाली बजाओ, अरे कुछ भी है, खुशी के गीत गाओ, भजन गाओ, अरे बहुत कुछ करो, बहुत कुछ है करने को। दुकान में पूजा मत करो इतनी जितनी घर पे पूजा करनी है, जाकर उसमें से एक दीपक दुकान में लगा देना है, दुकान के आगे रख देना है, तिजोरी पर वही पुष्प डाल देने हैं, बही खाते में वही पुष्प डाल देने हैं, जहाँ चाहते हो वही पुष्प डाल देने हैं, पर रिश्तेदारों को भी जाके एक दीपक जला देना है। इतना कुछ करना है, दिवाली मनाना है। आज ही आपसे कह दें, आने वाला है 2549वां हम महावर्धमान महावीर स्वामी का महामहोत्सव निर्वाण का नाटक, जो अब एक वर्ष बनेगा 25 लगे, आप सभी के लिए 7 दिन पहले ही मंगलमय हो, मंगलमय हो, शुभ हो। सादर जय जिनेन्द्र।